नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। असम में बुधवार सुबह एक बहुत भीषण हादसा हो गया। बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। यह भीषण रोड हादसा सुबह 5 बजे हुआ है। पुलिस ने बताया बस अटखेलिया से बालीजन ले जा रही थी, बता दे तभी यह कोपले से लदे ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि बस 45 यात्रियों को लेकर करीब 3 बजे पिकनिक के लिए निकली थी। डेस्टिनेशन पर पहुंचने से कुछ ही देर पहले बस हादसे का शिकार हो गई। कोयले से लदा ट्रक मार्गेरिटा से आ रहा था, बता दे तभी दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी घायलों को जोरहट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों की हालत खराब बताई जा रही है। वहीं बता दे कि मंगलवार को कई हादसे हुए, इन हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हो गए हैं। ओडिशा में बस ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं दिल्ली के बुरारी में रोड हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी भीषण रोड हादसा हुआ। रायसेन में कोहरे के कारण बस पलटने से 19 लोग घायल हो गए।